अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। इस वक्त मौजूद हूं मैं सियालकोट में, सियालकोट के वो गांव जहां से शुएब मलिक का ताल्लुक था और उन्होंने सानिया मिर्जा से शादी की। ये वो अलामा इकबाल के शहर सियालकोट का शाहीन है जिसकी उम्र 21 साल है और इसने एक नई भाभी तलाश की है। ना सिर्फ इनको अमेरिका से यहां पर बुलाया और ये यहां पर आने पर मजबूर हुई। इनकी उम्र 41 साल है और इनका नाम है मारिया हेलिना। और इस बंदे का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो काशिफ को जाता है, उन्होंने मारिया को इस्लाम कबूल करवाया, ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और आज इनका जो है वो निकाह होगा। जबकि आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं इनके दोस्त भी बैठे हैं जो काशिफ के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गए और मारिया को लेकर आए। सबसे पहले हम काशिफ से बात करते हैं। काशिफ मुझे आप बताइएगा, आप करते क्या हैं? जी मैंने आज कम किया कि मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो आपकी मारिया के साथ मुलाकात कैसे हुई और कैसे आपने इनको जो है वो ग्रैब किया अपनी तरफ? फर्स्ट टाइम तो इंस्टाग्राम पे हुई है मुलाकात, तो अभी 10 मंथ हो गए हैं बात करते हुए। तो मैंने यही कहा कि पाकिस्तान आए आप और इस तरह मैंने। तो इनकी उम्र 41 इयर्स है, आप 21 इयर्स ओल्ड हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा ये जौजा माजदा वाला? लव में उम्र नहीं देखते, प्यार में। प्यार में उम्र नहीं देखते, प्यार में उम्र नहीं देखते। तो आप तो जिंदा दिल आदमी है, तो जब आप वहां पर गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इनको रिसीव करने, तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी? आई वाज एक्साइटेड, तो बहुत खुश था मैं वहां, तो बस पुरजोश बहुत थे और बोला भी नहीं जा रहा थोड़े से। शायद ही इनसे पूछते हैं, हेलो मारिया, हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन यू सी हिम फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट? So happy, there's no words. जी कह रही है आई हैव नो वर्ड्स, मैं तब बहुत हैप्पी थी, मेरे पास कहने के लिए जो है अल्फाज नहीं है। तो आफ्टर मैरिड वेयर वुड यू लाइक टू सेटल, इन यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान? एनीवेयर ही वॉन्ट्स, एनीवेयर वी कैन बी टुगेदर। जी मैंने इनसे पूछा कि आप शादी के बाद कहाँ रहना चाहेंगी, तो ये कह रही है कि जहां भी मुझे काशिफ रखेंगे मैं इनके साथ रहना जो है वो पसंद करूंगी। काशिफ, ये क्रेडिट बहुत बड़ा है आपकी तरफ कि आपने इनको इस्लाम कबूल करवाया, तो आपने इस तरफ इनको कैसे इंसिस्ट किया? बस मैंने कुछ वो डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो सेंड करके ने, तो बस इसी तरह इनको समझाया, कुछ टीच किया इस्लाम के बारे में, तो इस तरह ये इस्लाम की तरफ आ गए। तो अब ये माशाल्लाह नमाज वगैरह या हमारी जो इबादत है वो करेंगी? अभी मैं सिखा रहा हूँ वो सब कुछ, तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो अभी रिसेंटली आप बीकॉम कर रहे हैं? हाँ बीकॉम कर रहा हूँ। तो वो तमाम लड़के जो पाकिस्तान में आपको बराह रास्त देख रहे हैं और जिनको जो है अभी 18 साल वाली लड़की भी नहीं मिल रही, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से ये भी एक टैलेंट है? मैसेज तो मैं उनको कुछ नहीं देना चाहता, ये तो उन पर ही है जो भी वो कर रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना या नो कमेंट। अच्छा, तो आप आई लेट मी आस्क यू वन थिंग फ्रॉम यू, हाउ मेनी किड्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम काशिफ आफ्टर मैरी? इट्स अप टू गॉड रियली। इनसे मैंने पूछा है कि आप शादी के बाद कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो कह रही हैं इट्स अप टू गॉड, अल्लाह ताला जो भी करेंगे वो इनके लिए बड़ी करम फरमाइयां होंगी। तो आपको यहां दोबारा बताते चले, रायपुर गांव का ये सियालकोटी लड़का है जिसने मारिया को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया और इनका ताल्लुक भी शुएब मलिक के कस्बे से है। शुएब मलिक वो इंसान है जिन्होंने सानिया मिर्जा से शादी की और ये जितने भी यंगस्टर्स हैं रायपुर के वो तमाम लड़कियों से शादियां करते हैं जो आउट ऑफ सिटी होती है। तो इकबाल के शाहीन ने किस तरीके से मारिया को दबोचा, वो सारी गुफ्तगू हमने आपके लिए बराह रास्त लेकर आए, लेकिन आखिर में कोई पैगाम देना चाहें आप पाकिस्तानियों को या पूरी दुनिया को? पैगाम अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, आज बारात है तो पैगाम कल तो नहीं देना चाह रहे आप? कोई माइंड में नहीं आ रही बात, बस अभी माइंड में कहां बातें आएंगी, माइंड में बस यही बातें जो है वो चलेंगी। सो मारिया, आर यू हैप्पी विद इट? और आपको एक चीज मैं और भी बताता चलूं, मारिया जो है ये एनिमल डॉक्टर हैं और वहां पर जो है यूनाइटेड स्टेट में काफी जो है ये सेटल्ड भी हैं, तो आपने हमेशा इनको खुश रखना है, शी शुड बी हैप्पी, किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ये ना हो आप ग्रीन कार्ड लें और उसके बाद भाभी को जो है वो किक करवाने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो? बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। तो कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर आवर ऑडियंस? माय वॉइस, नो नो, आई डू द ड्रमिंग। Drumming, let's drum. I will sing a song for you, for both of you, and you need to drum it. Okay, and then translate because I don't understand. I mean, Mundeya Sialkotia. Say Mundeya Sialkotia.
Mundial Sialkotia. Mundea Sialkotia. I'm just keep doing the drum. Mundea Sialkotia. Mundial Sialkotia. O tere mukhde da kala kala tilve. Tere mukhde da kala kala tilve. ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲ ਕੋਟਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲ ਕੋਟਿਆ ਦੀ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਯੂ ਆਰ ਥੇਫ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਓ ਗੁਡਨੈਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜਸਟ ਮੋਰ ਲਵ Let's give more love. जी ये बहुत ज्यादा प्यार more love बहुत ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन की आवाम को देना चाह रहे हैं और बहुत ये शायद like so, our love we have for each other, more love. ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनका अल्लाह ताला ये प्यार सलामत रखे और जिस तरीके से इकबाल के शाहीन ने इकबाल के शहर से इस लड़के ने साबित किया कि ये वाकई ही इकबाल का शाहीन है 21 साल जिसने 41 साल जो है ये हमारी भाभी इनके साथ शादी की इनको इस्लाम कबूल करवाया और आज इनकी बारात है और इसी होटल में ये स्टे किया हुआ है इनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं आपका इस शादी में क्या किरदार है आपने कोई रूम बुक करवाया जी सर रूम बुक करवाया सर मैं इन्होंने सेटअप लुआ रहा हूँ वेटर ने कहा कि यार अच्छा काम करना है मेरे भाव भरा सा छोटा आखे ना कि सानू किसी चीज की कमी आई है सर्विस भी उन्होंने कहा अच्छी करो इंशाल्लाह तो आपकी शादी नहीं हुई दोस्तों यूएसए से ले उड़ा तो आप क्या करेंगे मैं भी इन्होंने कहा कोई साठ को साल दी देखो मेरे वास्ते भी मैं भी इसे साठ पे बैठा हुआ ये दोस्त भी कह रहे कोई साठ साल की औरत आप भी देखे तो उसके लिए हम कर सके लेकिन वी आर वेरी हैप्पी एंड वी वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी एंड से पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इकबाल का शाहीन पाइंदाबाद अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव अल्लाह हाफिज़